गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 11 यस्य जननम तस्य मरणम। दिस चैप्टर कैरीज 4 मार्क्स इन अ बोर्ड एग्जाम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल? हेडिंग इज व्हाट? यस्य जननम तस्य मरणम। इट मीन्स व्होएवर इज बॉर्न इज श्योर टू डाई। जो जीवन जिसका जीवन है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इंट्रोडक्शन। इट इज़ अवर एज ओल्ड ट्रेडिशन टू प्रीच मोरल थ्रू द स्टोरीज। वेन एवर वी आर लर्निंग एनी स्टोरीज फ्रॉम द चाइल्डहुड, वेन वी वेर इन द नर्सरी, केजी, फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन्थ, आपकी टेक्स्ट बुक भी होती है ना, हिंदी, संस्कृत, विच एवर टेक्स्ट, अगर दे श्योरली गिव वन मैसेज, वन मोरल टू अस। अगर हम सोचें, अगर हम देखें तो वी कैन गेट मोरल ऑल्सो। अगर हमें ये परखने की ताकत है तो पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर अवेलेबल टुडे, इट कैन बी सेड दैट दिस ट्रेडिशन हैज़ स्टार्टेड विद जातक माला ऑफ आर्यश्रय। इट कंटेन्स स्टोरीज ऑफ अ लॉर्ड बुद्धस प्रीवियस बर्थ। सो दिस स्टोरी इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड बुद्धस। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथा है उसमें इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो पात्र दिए गए हैं उसके नाम के अनुसार उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है। नाम की जो इफेक्ट है वह उसके कैरेक्टर पर भी दिखाई देती है। सो द थीम ऑफ दिस स्टोरीज इज वेयर एंड व्हाट ऑस्पिशियस थिंग्स बुद्धा परफॉर्म इन हिज प्रीवियस बर्थ। देयर आफ्टर मैनी स्टोरीज वर रिटन इन अ संस्कृत एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन। So what is the moral of the story? Now we are going to learn that story. It is a peculiarity of Sanskrit stories that the name given to character signifies the work of or quality of that character. If you remember, we have learned chapter number 2, Yad Bhavishya Vinishyati. If you remember, in that also, three fishes name was there. और उन fish के जो name थे उसके हिसाब से उनका जो स्वभाव था बिल्कुल वैसा ही था। So in a Sanskrit, it is a speciality that character's name is affecting on the character. So here it presents there are two characters, Vittadasa, those are servant of wealth. Vittadasa is a vanya, so he is the slave of a wealth, yani paise ka gulam. Jahan bhi paisa dekha wahan par woh chuk gaya. And Kuttunath, मास्टर ऑफ फ्रॉड्स, ही इज़ अ मास्टर ऑफ अ फ्रॉड्स। वह सबको छल कपट करना जानता था। ही इज़ अ मास्टर ऑफ फ्रॉड्स मीन्स व्हाट? वह सबको कूटनीति का वो स्वामी था। सबके साथ कूटनीति से, छल कपट से वह पैसे ऐठना वह उसकी कला थी। वित्तदास इज प्रेजेंटेड एज ग्रीडी एंड कुट्टनाथ एज अ पर्सन चीटिंग एनीवन बाय हिज फ्रॉड। वो फ्रॉड करता था सबके साथ, जो भी दिखाई दे कि ये ग्रेडी है, ये उदार है, तो उसको भोलेपन में वो झांसा देता था। इफ़ दे आर ग्रेडी सो ही इज़ गिविंग सम ग्रेड टू देम, उनको कुछ लालच देता था। सो अकॉर्डिंग टू पर्सन ही इज़ गिविंग एनी टेम्पटेशन टू देम, सो दे विल कम टू दैट थिंग एंड वो उसको फ्रॉड कर देता था। सो ही वॉज अ फ्रॉड। There is one maxim in a Sanskrit, lobah papasya karan. This maxim we are knowing in all the languages, in Hindi, Sanskrit, Gujarati, सारे पाप की जड़ क्या होता है? लोभ होता है, लालच। लोभ आता है ना, तो सही गलत की हम पहचान नहीं कर पाते हैं। If we are liking someone's anything, so by hook or by crook हम उसको लेने की चाह रखते हैं। अगर वह आती है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और तरीके से भी उसको हासिल करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सो लोभः पापस्य कारणम्। ग्रीड इज़ द बेसिक रूट ऑफ ऑल सिंस। जब ग्रीड आ जाता है इंसान के मन में तो वह पाप करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। सो इट इज़ द रूट ऑफ अ सिंस। द प्रेजेंट स्टोरी एक्सप्लेन्स हाउ द ग्रीड कॉजेज हार्म बाय मेकिंग वन हेल्पलेस टू डू अनफेयर थिंग्स। जो गलत है वो भी इंसान क्यों करने के लिए विवश हो जाता है? क्योंकि वह लालची है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। ही इज़ अ स्लेव ऑफ अ मनी।
तो वो मनी को पाने के लिए करता है, सामने वाला वो देखता है कि ये लालच से भरा हुआ है तो क्यों ना उसकी लालच का फ़ायदा उठाया जाए और उसको फूल बनाया जाए। सो इन द लेसन मैनी एडजेक्टिव्स एंड सब्सटेंसेस नाउन्स आर यूज्ड विच विल बी हेल्पफुल टू नो द यूज ऑफ अ विशेषण एंड विशेष्य। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न स्टोरी। अस्ति वित्तदासो नाम प्रभुत लोभ समृद्ध कश्चित वणिक जन। अस्ति, सो नाउ वेन एवर अस्ति कम्स, सो इमीजिएटली यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट इट इज़ अ पास्ट टेंस। जब भी अस्ति आता है तो वह वाक्य सीधे कौन सा हो जाता है, भूतकाल का। सो अस्ति वित्तदासो नाम प्रभुत लोभ, प्रभुत लोभ यानी क्या होता है, वेरी ग्रेडी। हु इज़ वेरी ग्रेडी, वित्तदास, एंड वित्तदास इज हु, ही इज अ वाणी, ही इज अ वणिजन। वणिजन मीन्स वॉट, इट इज़ अ वन पीपल दोज हु इज बिलोंगिंग फ्रॉम वणिजन। तस्य कूटनाथा विद वेश प्रातिवेशिक आसित। तस्य जहाँ पर ये रहता था, तस्य यानी वहाँ पर क्या था, कूटनाथ अभिध, हुज नेम इज कूटनाथ, जिसका जो कूटनीतियों का स्वामी है वो ऐसा व्यापारी, कूटनाथ नाम का व्यापारी, वेश्य व्यापारी, प्रातिवेशिक आसित। प्रातिवेशिक मीन्स इन अ नेबरहुड ही वॉज लिविंग बिसाइड हु, वित्तदास, आसित मीन्स ही वॉज लिविंग देर। एकदा कूटनाथेन चिंतितं यदयं वित्तदासः धनिको अपि लुब्धो वर्तते। एकदा कूटनाथे, कूटनाथ को क्या हुआ, ही थॉट दैट, चिंतितं यदयं, उसने देखा, ये सोचा कि वित्तदासः धनिको अपि लुब्धो वर्तते, उनको धनिक बनने की बड़ी लालसा थी। ही वॉज वेरी ग्रीडी फॉर मनी, उसको पैसे वाला बनना था, हु वित्तदास, उसको पता चल गया कि ये तो लालचू है, ये तो बड़ा ही ग्रीडी पर्सन है, क्यों ना उसकी ग्रीडीनेस का कुछ फ़ायदा उठाया जाए। अतः केना अपि उपाय न माया असो वंचनीय, सो ही शुड बी फूल्ड बाय एनी थॉट। उपाय यानी कुछ ऐसा आइडिया लगाऊं कि मैं उसको फूल बनाऊं। अतः केना अपि उपाय, मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मैं उसको फूल बना सकूं, उसके लिए ग्रीडीनेस का गलत फ़ायदा उठाने का वह सोच रहा था। एवं विचार्य सह कूटनाथ एकदा वित्तदासस्य गृहम उपगम्य अगत्यत। एवं विचार्य मीन्स आफ्टर हैविंग थॉट, वंचनीय इट इज अ विद्यर्थ भूतकृदत, एंड लुब्ध मीन्स इट इज अ कर्मणि भूतकृदम। सो हियर कृदंस ऑल्सो द कर्मणि एंड विद्यर्थ। सो व्हाट हैपेंड, वन डे ही थॉट दैट लेट इट मेकिंग फूल, और एक विचार सह, एवं विचार से ये सोचकर, उसको उल्लू बनाने का सोचकर, कूटनाथ एकदा वित्तदासस्य गृहम उपगम्य अगत। एक दर वह वित्तदास के घर गया और फिर क्या सोचा, उसे सोचा, अगत मीन्स ही स्पोक टू हिम, भो श्रेष्ठिन, ही टोल्ड, ओ श्रेष्ठिन, अस्माकं बहव कुटुंबी जनाः श्व अतिथय भविष्यन्ति। अस्माकम यानी हमारा जो कुटुंब है उसके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, बहुत मेनी मेनी पीपल फ्रॉम आवर फैमिली, श्वः अतिथय भविष्यन्ति। श्व मीन्स टुमोरो, अतिथय यानी दे आर गोइंग टू कम एट अवर प्लेस फॉर फूड और डिनर, वो हमारे घर पर खाने के लिए आने वाले हैं। सो व्हाट विल हैपन, भविष्यन्ति मीन्स कल हमारे घर पर बहुत सारे लोग खाने आने वाले हैं। वो श्रेष्ठ मीन्स ओ रिच मर्चेंट, टुमोरो मैनी ऑफ अवर रिलेटिव्स विल बी अवर गेस्ट, तेषा मर्थे फॉर दैट रीजन भोजन निर्माणाय, भोजन आदि निर्माणाय मीन्स भोजन की प्रिपरेशन के लिए, खाना बनाने के लिए, का निचित पात्राणि कृपया मयम यच्छतु। का निचित मीन्स सम, सम पात्राणि मीन्स यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन, कुछ पात्र जो होते हैं जो खाना बनाने के लिए, कृपया प्लीज महम यच्छतु। ये स्टाइल इज दैट अवर रिलेटिव विल बी अवर गेस्ट, सो प्लीज गिव मी सम यूटेंसिल्स फॉर प्रिपेरिंग कुकिंग फूड एक्सेट्रा फॉर देम। परश्वः तान् प्रत्यपर परियाष्यामि, सो फॉर देम आई कैन मेक फूड
सो आई शैल रिटर्न देम डे आफ्टर टुमोरो. प्रत्य अपि पपिष्यामि मीन्स आफ्टर डे आफ्टर टुमोरो. तानि दैट वेसल्स परशोन्स डे आफ्टर टुमोरो आई एम आई विल गिव बैक टू यू. प्रातिवेशिक धर्म भाव, यानी जो हमारा जो पड़ोसी होता है उसकी भावना क्या होती है, सगा हमारे बाद में काम आता है बट सबसे पहले हमारा धर्म क्या होता है, जो पड़ोस में रहता है उसके प्रति हमारा धर्म होता है. सो वॉट ही हैज डन, प्रातिवेशिक धर्म भावेन वित्तदास कूटनाथाय पात्राणि प्र आयचत. प्रायचत मीन्स उससे क्या किया, एक पड़ोसी होने के नाते वित्तदास कूटनाथाय पात्राणि प्र आयचत मीन्स ही हैज वॉट डन, ही हैज गिवन हैंडेड ओवर द यूटेंसिल्स टू कूटनाथ विथ अ सेंसिबिलिटी ऑफ ड्यूटी एज अ नेबर. पात्र उपयोग अवसाने, सो हियर थ्री संगी शब्द आर देयर. पात्र उपयोग अवसाने आफ्टर यूजिंग दैट वेसल्स मीन्स आफ्टर द यूज ऑफ द यूटेंसिल्स वॉज सर्व्ड. कूटनाथ पात्राणि प्रत्यर्पयितु वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत. सो अगच्छत मीन्स ही वेंट, इट इज अ पास्ट टेंस. गृहम् अगच्छत मीन्स अगच्छत मीन्स व्हाट, इट इज अ वर्ड ऑफ अ पास्ट टेंस. कूटनाथ वेंट टू वित्तदासस् हाउस टू रिटर्न द यूटेंसिल्स. ते पात्रे स कूटनाथः अन्यानि कानिचित् लघूनि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान. उससे बड़ी चालाकी से जो बड़े बर्तन उसने उधार लिए थे वित्तदास से, तो कूटनाथ ने कूटनीति चलाई. बुरी सोच से वश होकर उसने क्या, उसको उल्लू बनाने के लिए क्या सोचा, उसने जो बर्तन लिए थे उसके अंदर लघुनी नूतनानी, लघुनी यानी छोटे, स्मॉल, नूतनानी यानी न्यू यानी बहुत सारे. हियर देर आर अ बहुवचन लघुनी नूतनानी पात्राणी. उसने उसके अंदर छोटे बर्तन जो रख दिए, अभी तत्र स्थापित वाले उसके अंदर रख दिए. सो कूटनाथ वेंट टू वित्तदास हाउस टू रिटर्न द यूटेंसिल्स बट कूटनाथ व्हाट ही हैज डन, ही प्लेस सम न्यू स्मॉल साइज यूटेंसिल्स ऑल्सो विथ दोज यूटेंसिल्स. बड़ी चालाकी से उसने उसके अंदर छोटे बर्तनों को भी रख दिया. देन लघुनानाम पात्राणाम सॉरी लघुनाम लघुनाम नूतनानाम पात्राणाम दर्शनेन विस्मितः वित्तदासः कूटनाथम अपृच्छत. सो हियर ऑल्सो इट इज अ पास्ट टेंस. बोवयस्य, सो ये देखकर वो शॉक हो गए कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल, आई हैव गिवन ओल्ड रीजंस एंड हियर आर सम न्यू रीजंस विच इज स्मॉल इन अ साइज. लघुनाम नूतनानाम पात्राणाम दर्शनेन यानी देखकर विस्मित, ही वॉज अ सरप्राइज, ही वॉज इन अ थिंकिंग दैट दैट यू सेड दिस दिस इज नॉट माइन, दिस सरप्राइज, दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी. बो वयस्य, ओ फ्रेंड, एतानि पात्राणि मम न सन्ति. सो ही इज टू व्हाट टेलिंग एतानि, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है. एतानि पात्राणि सन्ति, दिस ऑल वेसल्स आर in some if these all vessels are mine but in that small vessels are not mine, the utensils that were given to me by you. Sorry, so what is said to us, bo vayasya, oh friend, etani patrani mama na santi, these utensils are not mine, ye sab mere bartan nahi hai, usme se kuch hi mere hai par zyada tar mere bartan nahi hai. कूटनाथ अकथयत, कूटनाथ टोल्ड टू हिम, ही सेड टू हिम, मित्र फ्रेंड, यानि पात्राणि भवता दत्तानि तानि मम गृहे रात्रौ प्रसूतानि. सो हियर प्रसूतानि इट इज अ दे आर गिविंग बर्थ टू अनदर वेसल्स. व्हाट दे आर टेलिंग, दत्तानि योर वेसल्स तानि मम गृहे, मेरे घर पर उन्होंने दूसरे बर्तनों को जन्म दिया. He told like that, the utensils that were given to me by you gave birth to this in my house at a night. Etani laguni nutanani patrani bhavatah patranamapatyani santi. So, these small vessels,
इतने लघु ही नूतन पात्र है। ये जो स्मॉल स्मॉल जो नए नए बर्तन है वह पात्र प्रत्या सी दिस न्यू यूटेंसिल्स आर द यंग वंस ऑफ योर यूटेंसिल्स। ये जो आपके बड़े बर्तन थे उसके जो छोटे यंग वंस हैं। अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राप्य विद्यासः प्रसन्न जाता है। वाई ही हैज़ बिकम सो हैप्पी बिकॉज ही वॉज ग्रीडी पर्सन। और इफ़ यू हैव रिमेंबर छोटी छोटी मछली के बारे में आपने सुना होगा स्टोरी कि मछली को अगर फंसाना हो तो उसके आगे हम उसका जो फूड होता है मछली का उसको हम फिशिंग नेट में डालते हैं और क्या होता है कि फिश वह खाना खाने के लिए आ जाते हैं फंस जाते हैं। तो ठीक उसी तरह कूट ना जाने हुए उसके बर्तन के अंदर कुछ नए बर्तन रख दे ताकि वित्तदास उसको देखकर फंस जाए और वह खुश हो जाए बाद में दोबारा वह फिर से यह करने का सोचे। सो सेम वे ही हैज डन लाइक दैट। अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राप्य उसको उसके जो हैविंग गॉट दैट न्यू यूटेंसिल्स आर द यंग वंस हु हैज ही प्लीज्ड फॉर दैट ये देखकर तो वह बहुत ही खुश हो गए। व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु व्यतीतेषु कतिपयेषु मीन्स आफ्टर सम डेज आफ्टर सम टाइम पास दिवसेषु आफ्टर डे सम डे पासिंग दैट आफ्टर दैट कूटनाथ पुनः अपि वित्तदासं पात्रार्थ प्रार्थयत। उससे फिर से सोचा कि क्यों ना फिर से उसको उल्लू बनाया जाए और इस बार कुछ बड़ा सा झोल किया जाए। कूटनाथ पुनरपि वित्तदासं पात्रार्थ प्रार्थयत प्रार्थयत यानी ही हैज रिक्वेस्ट टू हिम टू गिव सम मोर वेजर्स फॉर फ्यू डेज। प्रदत्तेभ्यः पात्रेभ्यः अपि अधिकानां पात्राणां लाभो भविष्यति इति दुर्मयुक्तया प्रेरितो वित्तदासः तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान। दत्तवान मीन्स टू गिव एंड उसको पात्र देने के बाद अपि अधिकानां पात्राणां उसको और भी बर्तन मिले उसको और भी वेसल्स मिले उस लाभो यानी मिलने की आशा से लालच से भविष्यति इन फ्यूचर ही विल गेट सम मोर वेजल्स लाइक लास्ट टाइम ही हैज गॉट। सो अबाउट दैट थिंकिंग ही हैज गिवन सम मोर वेजल्स टू हिम इति दुर्मत्या इसी कुबुद्धि से इसी लालच से जो कूटनाथ का प्लान था उसी उसकी जाल में वो फंसे जा रहा था। और सेम वे वॉट ही हैज थॉट ही हैज डन दैट वे सेम एंड वॉट इज हैपन पात्राणम लाभो भविष्यति फिर से उसको बहुत सारे बर्तन मिलेंगे इति दुर्मत्या इसी कुबुद्धि से प्रेरित वित्तदासः ये बाय इंस्पायर बाय दैट तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान। सो ही हैज़ व्हाट डन वट एवर जो बर्तन है उसको डिजायर हो गई दैट थिंकिंग दैट देर वुड बी गेन ऑफ इवन मोर यूटेंसिल्स दैन द यूटेंसिल्स गिवन ये हिम ऑल द यूटेंसिल्स दैट ही डिजायर मैं उसको दे देता हूँ जो भी मांगा उसने क्योंकि मुझे और भी बर्तन मिलेंगे इसकी वजह से। नाव व्यतीत अपि एक मास व्यतीत यानी इतना समय पास्ट हुआ व्यतीत अपि एक मास आफ्टर वन मंथ यदा कूटनाथ पात्राणि न प्रत्य अर्पितवान तदा चिंता मापन्न एक महीना होने के बावजूद कूटनाथ को उसके बर्तन वापस नहीं मिले सो ही वॉज वरीड अबाउट दैट इन सम डे पास्ट कूटनाथ जो कूटदास है अगेन रिक्वेस्टेड वित्तदास फॉर द यूटेंसिल्स। वित्तदास कूटनाथ गत्वा ही गत्वा इट इज अ संबंधक गुरुगण स्वकियानी पात्राणी अयाचत स्वकियानी जो उन्होंने दिए हुए पात्र थे अयाचत यानी उसने रिक्वेस्ट की दैट गिव मी माई वेसल्स बैक। कूटनाथ सशोकम अकथयत कूटनाथ ने अपनी कूटनीति दिखाना चालू कर दिया अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया। कूटनाथ सशोकम अकथयत सो ही टोल्ड विथ अ वेरी शोइंग फेस ही वॉज थिंकिंग दैट ही इज वरीड अबाउट दैट चिंता मन में ही शोज दैट ही इज वरीड सशोकम यानी बड़े दुख के साथ विथ अ डिजेक्शन अकथयत यानी ही टोल्ड What he has told, भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि भवतः मिस योर
सर्वाणी पात्राणि मीन्स योर ऑल वेजल्स योर ऑल यूटेंसिल्स मृतानी डाइड, तुमने जो पात्र दिए थे ना मुझे लास्ट मंथ वो सब मर गए, दे ऑल आर डाइड। देन वॉट हैपन वित्त दास कोप अविष्ट सन अकथ्यत, कोप अविष्ट मीन्स बी एनरेज्ड, ही हैज बिकम सो एंग्री एंड अकथ्यत मीन्स एंड देन ही हैज सेड टू हिम एवं कथम भवेत, हाउ विल इट हैपन लाइक दिस, बहुवचक मीन्स हाउ इट कैन बी हैपन, इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो मिथ्यावदसी मीन्स यू आर टेलिंग लाइज, यू आर नॉट टेलिंग प्रॉपरली, इट इज अ फॉल्स, आप गलत बोल रहे हो। ओ चीट बहुवचक, बहुवचक मीन्स चीट, वचक मीन्स चीट, ओ चीटर यू आर टेलिंग लाइज, त्वं मिथ्यां वदसि यू आर टेलिंग लाइ, ओ चीटर यू आर टेलिंग लाइ। निर्जीवानां पात्राणां मरणं कथं संभवति, ही इज टेलिंग दैट निर्जीवानां पात्राणां दोज हु आर इनएनिमेट, दोज हु आर नॉट हैव लाइफ, दोज हु आर लाइफलेस, यूटेंसिल्स में को कभी थोड़ी लाइफ होती है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये जो सवाल था वो उसको पहले सोचना चाहिए था कि अगर जन्म नहीं हुआ तो मरण भी कहाँ से होगा। जब जन्म वाली बात हुई तब उसने लालच में आकर उसने उसका स्वीकार कर लिया था कि दूसरी बार भी मुझे मिलेंगे, तीसरी बार भी मुझे मिलेंगे, तब उसको यह प्रश्न नहीं आया। जब उसने अपने यूटेंसिल्स को लॉस्ट कर दिया, उसने उसको गवा दिया, उसके बाद उसको यह प्रश्न आया, सो वॉट हैपन एवं कथम भवत, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, वो वचक ओ चीटर तो मिथ्या वदसि यू आर टेलिंग लाइज, निर्जीवानां पात्राणां मरणं कथं संभवति मीन्स दोज हुआर इन एनिमेट, दोज हुआर लाइफ यूटेंसिल्स, हाउ इट इज इट पॉसिबल दैट टू डाई एंड टू गेट बॉर्न, हाउ इज द डेथ ऑफ इन एनिमेट यूटेंसिल्स आर पॉसिबल। कुटनाथ धैर्य अवलंबय शांत वचसा अवदत, धैर्य अवलंब मीन्स विथ पेशेंटली प्लकिंग अप हिज करेज एंड शांत वचस इज अ वेरी काम माइंड हि स्पोक, अवदत मीन्स ही सेड इन अ वेरी क्वाइट मैनर, महोदय ओ महानुभाव ओ ग्रेट मैन, यदि पात्राणां जन्म भवति, इफ द यूटेंसिल्स हैविंग अ जन्म मीन्स ओ ग्रेट मैन, इफ द बर्थ ऑफ द यूटेंसिल्स टेक प्लेस तहि देन इवन तहि तेषां मरणम अपि भवति, अगर वो जन्म लेते हैं तो वो मरते भी हैं। कुछ सोचा, कुछ ख्याल आया, मैंने क्या बोला, जब जन्म आया तब तक तुमने कोई प्रश्न नहीं उठाया और जब मृत्यु हो गए तो आप प्रश्न उठा रहे हो, सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, इफ द यूटेंसिल्स टेक प्लेस टू गेट बर्थ इवन द डेथ इज लाइकली टू हैपन, अगर वो जन्म लेंगे तो वह मरेगी भी सही, इट इज़ अ नेचुरल थिंग। पूर्व जातानी पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति, सो ही इज टेलिंग द यूटेंसिल्स बॉर्न अर्लियर आर शाइनिंग इन योर हाउस, जो मैंने आपको जो बॉर्न हुए जो बर्तन दिए थे जो छोटे से, दे आर शाइनिंग इन योर हाउस, गृहे विलसन्ति मीन्स दे आर सिचुएटेड वेरी नाइसली, दे आर सिचुएटिंग एट योर हाउस। यानी पात्राणि भवति, सो ही सेड द यूटेंसिल्स दैट हैड बीन गिवन बाय यू डाइड इन माय हाउस, सो दे आर डाइड इन माय हाउस, मम गृहे मृतानि, जो तुमने बर्तन दिए थे विच यू हैव गिव मी यूटेंसिल्स दैट डाइड इन माय हाउस, जो जन्म लिए हुए बर्तन थे जो तुमने वापस लिए वो तो तेरे घर पे चमक रहे, ठीक है, बिकॉज दे वेर बॉर्न, सो दोज बर्तन यू हैव गिवन टू मी, दोज यूटेंसिल्स यू हैव गिवन टू मी, दे ऑल आर डाइड, सो इट इज़ अ नेचुरल थिंग, बर्थ एंड डेथ, डेथ इज़ अ कॉमन थिंग फॉर नेचुरल एनी ह्यूमन बींग्स, एनी लाइफ, दोज हु हैविंग लाइफ, दोज हु आर वेरी हैविंग बर्थ एंड डेथ, सो दे कैन डाई ऑल्सो, दे कैन बॉर्न ऑल्सो, तत्र अहम किम करतुम समर्थ पश्य, सो वॉट कैन आई डू इन दैट मैटर, सी जन्म भवति पात्रण मरणे संशय कथम, इफ द बर्थ ऑफ यूटेंसिल्स टेक प्लेस, इफ जन्म भवति पात्रण, इफ द यूटेंसिल्स गेट बर्थ, इफ दैट कैन बी हैपन, तो डेथ ऑल्सो कैन बी हैपन, मरणे संशय कथम देन वाई यू आर हैविंग डाउट, हाउ कैन देर बी अ डाउट अबाउट दैट डेथ
ऐसा कैसे कर सकते हो आप, बर्थ का डाउट नहीं है? अगर बर्थ होता है तो डेथ भी होती है, इट इज अ नेचुरल थिंग। जगति यत समुत्पन्नम नश्यति सर्वथा ध्रुवम, यत सम उत्पन्नम मीन्स वॉट एवर इज बॉर्न नश्यति मीन्स नाश, सर्वथा ध्रुवम इज श्योरली डेड, इट्स श्योरली स्पॉइल, अदरवाइज इट कैन बी रिजेक्टेड। जो लाइफ, जिसकी भी लाइफ होती है उसका जन्म भी होता है, मरण भी होता है, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो कि कोई भी हो। सो इट कैन बी हैपन टू एनी नेचुरल थिंग। सो इन दिस वर्ल्ड वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड बॉर्न श्योरली गेट डिस्ट्रॉयड, जो बना है उसका अंत भी निश्चित है, जिसका जन्म है उसका मरण भी निश्चित है, जो बना है उसका अंत भी है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। अगर पर जो यूटेंसिल्स है, इफ द वेजल्स टेक बर्थ सो दे शुड डाइड ऑल्सो। सो यह पार्ट में हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर हमें कभी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। सेम वे विच कुटनाथ हैज डन, वी शुड नॉट बिकम ग्रीडी एनी टाइम। अगर ग्रीडीनेस आता है तो हमें दो बार सोचना चाहिए कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। हमारे दिमाग के ऊपर जो पर्दे जो आ जाते हैं ग्रीडीनेस की वजह से, उसको हटाकर हमें बराबर सोचना चाहिए कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। क्या यह सही में हो सकता है कि बर्तन जन्म लेते हैं बर्तन मरते हैं? इफ़ यू आर थिंकिंग डीपली सो योर सोल विल टेल नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर माइंड एंड योर थिंकिंग, वॉट एवर थिंकिंग कमिंग फ्रॉम योर माइंड दैट इज़ ओनली ट्रू। जो दिखता है वो कभी सही नहीं होता है। सो कभी कभार जो दिखता है उसको सही न मानने पर हमें उसको ध्यान से सोचना चाहिए, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, इट कैन बी पॉसिबल और नॉट, देन ओनली यू कैन बिलीव टू एनीवन एल्स। सो वी शुड नॉट बिकम ग्रीडी एनी टाइम एंड सो हियर मीनिंग्स हैज गिवन टू यू, ऑल द एडवर्ब्स एंड कंपाउंड्स यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू राइट ऑल्सो, मीनिंग्स एंड संधि शब्द यू हैव टू राइट इन योर बुक, एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू गिव बाय नोट्स so that you do learn. Thank you.